होली के त्यौहार के दिन सुबह में पूजा की जाती है और उसके बाद शाम को होलिका दहन किया जाता है। आपको बता दें कि होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़कर देखा जाता है। इस बार यह पर्व 28 मार्च को मनाया गया है और आपको बता दें कि शाम के समय होलिका दहन भी किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मैरोली इलाके की, जहाँ पर कोरोना से बचने की सावधानियों एवं नियमों का लगातार पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ ही साथ लोगों ने मास्क भी लगाया और होलिका दहन का महत्व लोगों को समझ आ रहा है। इनका कहना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से होलिका दहन किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, जो लोगों को लगातार समझाती हुई नज़र आ रही है कि किस तरीके से त्यौहार भी मनाएं और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सावधानियाँ भी बरतें। बहुत ज़्यादा लग रहा है। साथ में आपको यह भी बता दें कि गेहूं की बालियां, चने की बालियां लोग अपने घरों से लेकर आते हैं, जो सुबह पूजा के समय भी इस्तेमाल की जाती है और होलिका दहन के समय इनको भूना जाता है और पूरे साल के लिए इन्हें अपने घर पर रखा जाता है। इस तरह की प्रथाएं लगातार चली आ रही है और लोग इन प्रथाओं को मानते भी हैं। ऐसा है कि जो रात है उनको बचाने के लिए होलिका ने उनको अपनी गोली में बैठाया, उनको जलाने के लिए अग्नि, उनको क्योंकि वरदान था होलिका को तो वो जलेगी नहीं अग्नि में, तो प्रहलाद को उन्होंने इसलिए गोली उठाया कि ताकि वो तो बच जाएंगे लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु जी की कृपा से होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गया, तो उसी के ऊपर। वैसे होलिका जी को एक देवी है, उनको ये वरदान था लेकिन हिरण्यकश्यप की वजह से उन्होंने अपने भाई की बात को मानकर ये गलत कार्य किया था। लेकिन फिर भी हम जो है होलिका को देवी की तरह ही मानते हैं, ये जो कि उनको वरदान जो मिला था वो देवी होने की ही वजह से मिला। तो आप यहाँ पर होलिका दहन के लिए पहुँचे हैं, काफ़ी लोग हैं, किस तरह से कोरोना को मद्देनजर रखा जा रहे हैं यहाँ? देखिए कोरोना के हिसाब से तो अब ये लोगों ने बहुत प्रिकॉशन ले रखी है, और डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी है, किसी प्रकार से कोई आदमी जैसे आपने चारों तरफ देखी आप पूरा सबने मास्क कवर किए हुए हैं और इस बात का पूरा विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं सब कि भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और त्यौहार को मनाइए लेकिन डिस्टेंस जरूरी है, अपने आप को प्रिकॉशन देखना चलना जरूरी है।